उमर मुख्तार का ऐसा कौल जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जब लीबिया के अजीम मुजाहिद उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि इटली के पास तैयारे हैं और हमारे पास नहीं हैं, तो उस मर्द मुजाहिद ने पूरे तवक्कुल और वसूख से जवाब में एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था, क्या वो जहाज़ अर्श के नीचे उड़ते हैं या ऊपर? तो उन्होंने जवाब में कहा कि आसमान के नीचे उड़ते हैं। तो उमर मुख्तार ने जवाबन एक जुमला कहा, जो तख्त से ऊपर है वो हमारे साथ है, लिहाजा नीचे वाले से मत डरना। आपका पूरा नाम उमर अल मुख्तार मोहम्मद बिन फरहात अल मनीफी था। आप 20 अगस्त 1858 में जंजूर नामी गांव में पैदा हुए। उमर मुख्तार लीबिया पर अतालवी कब्जे के खिलाफ तहरीक मुजाहमत के मारूफ रहनुमा थे। उन्होंने 1911 ईस्वी में लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ अगले 20 साल तक तहरीक मुजाहमत की क्यादत की। अक्टूबर 1911 में इटली के बहरी जहाज लीबिया के साहिलों पर पहुंचे। अतालवी बेड़े के सरबराह फाराफेली ने मुतालबा किया कि लीबिया हथियार डाल दे, बसूरत दीगर शहर तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि लीबियाई बशिंदों ने शहर खाली कर दिया, लेकिन इटली को हर सूरत में हमला करना था और उन्होंने 3 दिन तक त्राबलस पर बमबारी की और उस पर कब्जा कर लिया। यहीं से अतालवी काब्जों और उमर मुख्तार की ज़ेर क़यादत लीबियाई फौजों के दरमियान में जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उमर मुख्तार की 20 साल जिद्दोजहद उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब वो एक जंग में जख्मी होकर अतालवियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, मगर उसके बावजूद उन्हें भारी जंजीरों से बांधा गया और पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। उन पर तशद्दुद करने वाले फौजियों ने बाद अज़ां बताया कि जब उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता या तफ्तीश की जाती तो वो आंखों में आंखें डालकर कुरान मजीद की आयतें तिलावत करते। उन पर इटली की कायम करदा एक फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और सजाए मौत सुना दी गई। तारीखदान और दानश्वर उन पर आयद मुकदमे और अदालत की गैर जानबदारी को शकूक की निगाह से देखते हैं। उनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने जवाब में फ़कत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन्हें 16 सितंबर 1931 को सरेआम फांसी दे दी गई, क्योंकि अतालवी अदालत का हुक्म था कि उमर मुख्तार को उनके पैरोकारों के सामने सजाए मौत दी जाए। आपको जरी और बहादुर होने के नाते शेखुश शहदा का खिताब दिया गया। आजकल उनकी शक्ल लीबिया के 10 दिनार के नोट पर छपी हुई है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनत हॉलीवुड ने 1981 ईस्वी में उनकी ज़िंदगी पर एक फिल्म द लाइन ऑफ डेजर्ट यानी सहरा का शेर बनाई। इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्तफ़ा अलैकात थे। फिल्म में उमर मुख्तार का किरदार एंथोनी क्विन ने अदा किया। आपको सहरा का शेर कहा जाता है। आज भी दुनिया आपकी बहादुरी के अफसाने सुनाती नजर आती है। अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।